Hello, hello everyone. Welcome back to the program Spoken English. Good morning. This is Dr. R.S. Warrior helping you out to get a better understanding of English language and also enabling you to communicate grammatically, effectively, fluently, and with great authority and a command in a certain situation. Guys, we also help you in previous videos to improve grammar and vocabulary. Urgently required in various competitions and different levels of English proficiency test. So today we start a new chapter, and that is very important chapter, that everybody would like to. हर आदमी की ये इच्छा होती है कि हम मंच पर जाएं और वहाँ से हम बोलना शुरू करें और बहुत से लोग जो है हमको अप्रिसिएट करें, तालियां बजाएं और हम जो है एक अच्छा स्पीकर बने. तो एक अच्छा स्पीकर बनने की एक ट्रेनिंग मैं आपको यहाँ से देना प्रारंभ करता हूँ. और कैसे एक अच्छा स्पीकर बना जाता है, कैसे मंच को संभाला जाता है, सारी चीज़ें हम जो है कई कुछ इस वीडियोस में, एक में नहीं दो तीन वीडियो बन सकते हैं, ज़्यादा ही बन सकते हैं, कि कैसे हम जो है ये इन सबों पर करते हैं, कैसे ये होता है. तो ये देखिए कि स्पीच जो हम देते हैं, जैसे आजकल इलेक्शन चल रहा है तो आपने बहुत तरह की स्पीच सुने होंगे. नेता लोग स्पीच देते हैं, कैसे देते हैं, तो ये तो बहुत इन्फीरियर काइंड ऑफ स्पीच है जो नेता वगैरह ये देते हैं. ये कोई अच्छी स्पीच नहीं होती, क्योंकि इसमें ईमानदारी और जो है सब्सटेंस बहुत कम होता है. सब्सटेंस बहुत बहुत ही डिसेप्टिव होता है, इसलिए इसको अच्छा लेक्चर नहीं कहा जा सकता. लेक्चर तो वो होता है जो एकेडमिक्स में दिए जाते हैं, जो अच्छे अच्छे वक्ता बोलते हैं, जिसको राजनीति से बहुत कम लेना देना होता है, वही एक अच्छा वक्ता होते हैं, वही बन भी सकते हैं. बाकी सारे वक्ता जो है ये सब ये उस तरह से नहीं है जैसे कि आपको हिटलर हुआ करता था, या जो अच्छे अच्छे विदेशों में आपने देखा कि जो वक्ता हुआ करते थे, वैसे नहीं है हिंदुस्तान में, बहुत लोअर किस्म के हैं. लेकिन हमारा यहाँ ये काम है कि आपको ये बताना कि कैसे अंग्रेज़ी में हम भाषण दे सकते हैं, कैसे अंग्रेज़ी में लेक्चर दे सकते हैं. और वैसे स्थिति में जब आप बिना तैयारी किए हुए गए, पहली आज का लेसन ये है कि बिना तैयारी किए हुए हम अंग्रेज़ी में इंग्लिश में कैसे भाषण दें, ये चीज़ हम आज सीखेंगे. और बिना तैयारी के भाषण देना, जैसे आप किसी कॉलेज में या किसी स्कूल्स में आप गए हुए हैं और आपको किसी ने आपको स्पॉट कर लिया और बोला कि मिस्टर सच एंड सच आपके सामने दो शब्द कहेंगे. अब आप तैयारी करके नहीं गए हो और वहाँ, लेकिन आपको अगर आप दो शब्द लिटरली बोलने लगे तो आपकी बेइज्जती होगी. कम से कम वहाँ 10 मिनट आप रुक करके कुछ कहें, कैसे कहें, ये चीज़ है. तो हम आज इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं कि आपको किसी ने बुलाया कुछ कहने के लिए, एंड यू आर नॉट रेडी टू गिव स्पीच ऑन सर्टेन थिंग्स, यू आर नॉट प्रिपेयर्ड, ऑफ कोर्स यू आर गोइंग विदाउट प्रिपरेशन. तो ऐसे में हम कैसे मंच को संभालेंगे, तो हम आपको ये रूल्स देते हैं. पी पहले आप देखिए, पी मतलब होता है पब्लिक, पी और पी पर चर्चा कर रहा है. पी का मतलब होता है पीपुल प्रेजेंट एट डायस, पीपुल प्रेजेंट ऑन डायस, पीपुल on the dais और जो people हैं ये, और इसके अलावा कहाँ हैं,
पीपुल प्रेजेंट ऑन डायस और आइडियंस को भी लेंगे, डायस है और आइडियंस है जो दर्शक है। मान लीजिए दर्शक ने, यहाँ पर आप समझ लीजिए कि दर्शक ने आपके स्टूडेंट है, आपको एक स्कूल में बुलाया गया और प्रिंसिपल ने कहा कि एक महान भाव है, वो आपके सामने दो शब्द कहेंगे और आप जो है वहाँ आप पहुँचते हैं और आप ब्लैंक हैं, यू आर ब्लैंक, यू आर नॉट एबल टू से एनीथिंग। तो आप इस ऐसी स्थिति में आपको बता रहे हैं कि कैसे आप 10 मिनट तक वहाँ आराम से भाषण दे सकते हैं। तो ध्यान में रखिए कि ये आपको पहली चीज़ लोगों के बारे में कहना है और दूसरी चीज़ प्लेस, और जो है दूसरा है प्लेस वेयर यू स्टैंड। पहले इसको दो चीज़ के बारे में बताएं, वेयर यू स्टैंड। तो दो चीज़ का, जैसे आप कहिए कि ऑनरेबल चेयरमैन सर एंड डिग्निटीज प्रेजेंट ऑन डायस, आप उसमें जो मेन लोग हैं उनका आप नाम ले सकते हैं, मिस्टर सिंह, मिस्टर सच, मिस्टर सच, तो आप इसको 10 नाम भी गिना सकते हैं जो डायस पर हैं। और इसके बाद जो है आप फिर इसके बाद कहाँ जाएंगे, आप सामने के ऑडियंस पर जाएंगे और कहिएगा कि डियर स्टूडेंट्स, I'm very happy to stand before you and I'm not intended to say anything, ye cheez nahi karna, I am not intended to, I'm very happy to see you and it is my great opportunity to address to you and here in the campus, so you take students, you are my children and my son is also one of you, so आप उसको बच्चों के बारे में भी थोड़ा बात कर दीजिए और आप जो है डिग्निटरीज के बारे में बात कीजिए जो डायस पर मौजूद हैं और उनके बारे में ये भी बता सकते हैं कि इन्होंने क्या काम किया। जैसे मिस्टर सच एंड सच हैज़ ग्रेट वर्क ओवर हियर एंड ही हैज़ डन ए लॉट ऑफ पब्लिक वर्क एंड ही हैज़ कंट्रीब्यूटेड ग्रेट टू द upliftment of the education, especially schools and colleges. So I congratulate him and I salute him for his contribution. So आप जो है, आप जो people present on the dais हैं उनके बारे में आप आराम से बात कर सकते हो क्योंकि you already know them एक एक करके। जो chief guest हैं आप उनके बारे में भी जानते हो, उनका भी क्या contribution है आप उनको भी बता सकते हो। तो इस तरह से आप जो है कम से कम 2 या 3 मिनट आप यहाँ पर निकाल सकते हो। फिर इसके बाद प्लेस, प्लेस वेयर जहाँ पर आप खड़े हो उसके बारे में बात करो, कहाँ आप खड़े हो, कि स्कूल में खड़े हो। तो स्कूल में जब आप खड़े हो तो आप यह भी कह सकते, आपका जैसा अनुभव, जैसे कि द प्लेस द स्कूल वेयर आई स्टैंड टूडे इज also was also once my alma mater, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ वहाँ ये जगह भी एक ऐसा जगह है जहाँ से मैं भी शिक्षा प्राप्त किया था। तो I have great love for this institution, तो आप institution के बारे में बता सकते हो कि this institution has contributed a lot to society, many good students are serving as a great administrator in the police department, whatever they are serving the country in their capacities, in their respective capacities, तो आप उनको बता सकते हो कि हम भी किसी तरह से, I was just like a student like you, I was a student like you, and you can also talk about the teacher who used to teach there. तो आप उन टीचर्स के बारे में ही बता सकते हो
कि ये लोग थे ऐसे थे। फिर यहाँ पर ये हुआ करता था, जियोग्राफी को बता सकते हो। देन स्कूल वॉज नॉट सो लार्ज, इट वॉज ए स्मॉल स्कूल एंड स्टूडेंट्स वे आर ऑल्सो वेरी फ्यू इन नंबर। सो वी वेर दैट टाइम स्टडिंग हियर एंड बट इन आवर स्कूल वी डिड ए लॉट टू गेट अर्न ए नेम ऑफ दिस स्कूल। मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी स्टूड फर्स्ट, हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स यूज टू फर्स्ट डिविजन। तो आप इसको इस तरह से बता सकते हो। तो हमने आपको दो चीज़ बताया कि जब आपको ऐसा कहा गया कि आप कुछ नहीं जानते तो आप पी से होता है पीपुल, तो लोगों के बारे में बात कीजिए। और फिर प्लेस, प्लेस के बारे में जिस जगह आप खड़े हैं वो जगह तो आपको जानकारी होगी ही, हमसे ज़्यादा आप जानते हैं या कोई भी अपने सेंस से निकाल सकता है कि ये चीज़ है। तो इस चीज़ को और तब इसके बाद हम पढ़ते हैं कि अब जैसे यीशु के बारे में आपको ज़्यादा, अब इसके बाद पी आई, अब इसके बाद क्या है कि आई, आई मतलब होता है यीशु। किस मुद्दे पर उनको बुलाया गया है, जैसे आपको आप जो है गार्जियन हैं तो आपको बुलाया गया है कि टीचर्स मीटिंग में, मतलब स्कूल के मीटिंग में इशूज। तो इशूज मतलब होता है मुद्दा, किस मुद्दे पर आपको बुलाया गया है। तो इतना तो आपको पता होगा, आप ज़्यादा उस पर बोल नहीं सकते लेकिन मुद्दा तो आपका जरूर पता होगा कि यहाँ पर क्यों बुलाया गया। अगर ये स्कूल है तो प्रिंसिपल हमसे क्या चाहते हैं, तो आप उस पर थोड़ा बोल सकते हैं अपने मन से। मुद्दा क्या हो सकता है कि आप ये पेरेंट्स मीटिंग में हैं, आपको ये शो करना है कि आप बहुत कॉन्शस गार्जियन हैं, आप कॉन्शस वार्डन हैं, आप जो है अपने बच्चों का ध्यान देते हैं और आप चाहते हैं कि स्कूल भी आपके बच्चों पर उसी तरह से ध्यान दे। दूसरी चीज़, आप चाहते हैं कि यहाँ अच्छी पढ़ाई हो और आप चाहते हैं कि और लोग आप जैसे और लोग भी उसी तरह से सोचें जैसा आप सोचते हैं। तो आप उसको बता सकते हैं कि नाउ एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ ऑफ एनीवन एंड एजुकेशन हैज़ अ पावर। इफ़ यू डोंट स्टडी सो यू आर नॉट फिट फॉर दिस वर्ल्ड। सो टू एजुकेट मीन्स एजुकेशन शुड बी देयर एंड एजुकेशन इज नॉट ओनली रीडिंग एंड राइटिंग, नॉट ओनली मेमोराइजिंग सम क्वेश्चंस, बट अबाउट द एक्सपोजर, हाउ द स्टूडेंट्स आर एक्सपोज विद फ्रेंड्स फैमिलीज। तो हाउ यू जस्ट लिंक एजुकेशन टू द आउटसाइड एक्टिविटीज, हाउ स्टूडेंट्स आर इम्पॉर्टेंट टू सराउंडिंग्स, what they can do to serve the nation। तो आप जो है इस तरह से उसको आप बात कर सकते हो। तो इश्यूज जो है वो आप उस पर अपनी दो मिनट बात की कर सकते हो, तो जिस चीज़ के लिए बुलाया गया है। तो हमने आपको बताया कि आपने जो है लोगों के बारे में बात किया और प्लेस के बारे में बात किया और इश्यूज के बारे में जब मुद्दा है, हालांकि आपको मुद्दा के बारे में जानकारी नहीं थी, थोड़ी जानकारी है लेकिन आप उसको एक मिनट में तो कह ही सकते हैं कि हमको ये करना चाहिए। अब इसके बाद क्या होता है टाइम, पी पी आई और इसके बाद टी, टी मतलब होता है टाइम। अब जब टाइम है तो टाइम को दो भागों में बांट दीजिए, पास्ट और प्रेजेंट। अब पास्ट में आप कुछ कह सकते हैं कि हम लोग भी स्टूडेंट थे, इन विद्यार्थियों के पहले हम भी यहाँ पढ़ा करते थे, नहीं तो आपके समय में कैसी पढ़ाई हुआ करती थी और कैसे लोग हुआ करते थे, और फिर आज जो है प्रेजेंट में कैसी पढ़ाई हुआ करती है, कैसे लोग टीचर हैं, कैसे स्टूडेंट्स हैं,
और आप जो है बात कर सकते हैं उस पर। लेकिन जब आप पास्ट और प्रेजेंट की बात करें तो यू जस्ट रिमेंबर दैट यू डोंट से दैट पास्ट वाज ऑलवेज गुड एंड प्रेजेंट इज ऑलवेज बैड। नहीं, आपको ये शो करना है कि प्रेजेंट में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों के समय नहीं थी। द प्रेजेंट स्टूडेंट्स आर फार मोर इंटेलिजेंट, फार मोर सेंसफुल देन वी, बिकॉज वी हैड नो टेक्नोलॉजी, वी हैड नो दिस मीन्स ऑफ एजुकेशन, सो वी यूज टू लैक सो मेनी थिंग्स विच द प्रेजेंट स्टूडेंट्स आर नाउ अवेलिंग देमसेल्व्स। तो आप जो है उसको क्या करना है, उसको जस्ट लिंक बोथ द प्रेजेंट एंड पास्ट। सो आप देखिए, हमने आपको बता दिया कि आपको कुछ नहीं आता था, आपको कुछ नहीं आता था, आपको सिर्फ ऐसे बुलाया कि आप 2 मिनट बात कीजिए, तो आपने 2 मिनट इस पर बात किया, 2 मिनट इस पर बात किया और 2 मिनट प्लेस के बारे में बात किया, ठीक है, प्लेस के बारे, हाँ, इशू के बारे में बात किया आपने, इशू 2 मिनट, और 2 मिनट जो है टाइम के बारे में बात किया, ठीक है, तो कितना हो गया, 8 मिनट तो ऐसे ही हो गए। तो 8 मिनट कम समय नहीं होता, 8 मिनट्स इज एनफ टाइम ऑन स्टेज। तो यू हैव जस्ट ब्रोकन द लेग, तो इसके बाद और भी आप जा सकते हो, जैसे कि अब इसके बाद फिर वोट फॉर थैंक्स हुआ, अगर धन्यवाद ज्ञापन देना हुआ कि आप जरूर लास्ट में आप जरूर कहिए कि आई एम ग्रेटफुल फॉर मिस्टर चेयरमैन हु हैज़ कॉल्ड मी एंड टू से समथिंग, आई एम रियली रियली थैंकफुल टू हिम, आई एम ऑल्सो थैंकफुल टू स्टूडेंट्स हु हैज़ गिवन देयर ईयर्स टू मी, दे हैव पेशेंसली लिसन टू मी, आप इसको ही बोल दीजिए। एंड आई होप दैट द इंटेंशन ऑफ दिस मीटिंग वुड बी फुलफिल्ड एंड वी आर ऑल हियर टू सपोर्ट द प्रिंसिपल एंड द मैनेजमेंट टू ब्रिंग आउट ए गुड एजुकेशन फॉर आवर चिल्ड्रेन, सो थैंक यू वेरी मच। तो दिस इज गाइस, हमने आपको बताया कि कैसे आप जो है आप कुछ भी नहीं जानते हैं, कुछ भी नहीं जानते फिर भी 10 मिनट आप आराम से भाषण दे सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है तैयारी कीजिए, याद रखिए PPIT, टी मतलब होता है लोग, पीपुल, पी मतलब होता है प्लेस, और आई मतलब होता है इशू मतलब मुद्दा, और टी मतलब होता है टाइम। इन चीज़ों चार चीज़ का ख्याल रखिए, और एक जो है लास्ट में हम जिसको कहते हैं कि वी वोट ऑफ थैंक्स, इसको कहते हैं वी मतलब होता है वोट ऑफ थैंक्स। हम आपको कल एक दूसरा लेक्चर देंगे जिसमें ये बताएंगे कि भाषण कैसे दिया जाता है, और पॉलिटिकल भाषण के बारे में आपको बताएंगे, पॉलिटिकल स्पीच दिया कैसे जाता है। और क्योंकि जो आप भाषण यहाँ जो सुनते हो, ये जो लोग बोलते हैं, उसका कोई मतलब नहीं होता है। आप भाषण के टेक्नोलॉजी को समझिए और भाषण के, हम तो इसमें 3-4 वीडियोस बनाने जा रहे हैं। तो आज का यही कि आपको हमने बताया कि कैसे PPTIV, आप जरूर याद रखिए, पी मतलब होता है पीपुल, पी मतलब होता है प्लेस, आई मतलब होता है इशू मुद्दा, और टी मतलब होता है टाइम, और भी मतलब होता है वोट ऑफ थैंक्स। तो ऐसे आप जो है 10 मिनट कहीं भी अच्छे से आप जो है भाषण दे सकते हैं। अगर आपको ये नहीं बताया गया है कि आपको कहाँ देना है, किस लिए देना है, तो आप 10 मिनट आराम से ऐसे बोल सकते हो। और इसके बाद प्रिपेयर्ड स्पीच के बारे में बताएंगे, जब आप प्रिपेयर करके जाते हो तो कैसे बोला जाता है। तो अभी आपको हम ये बता रहे हैं, कल हम आपको थ्योरी बताते हैं कैसे जो है ये
लेक्चर का क्या मतलब होता है, कैसे जो प्रभावित करते हैं। और एक एक सबसे अच्छा लेक्चर जो है अभी वो है शेक्सपियर का जूलियस सीजर, वो हम कल आपको बताएंगे कैसे, और उसको एनालाइज करके बताएंगे किस तरह से पब्लिक को अपनी तरफ मोड़ा जाता है, हाउ टू कर्व द पब्लिक टू यू इन योर फेवर। तो दैट वुड बी द ग्रेट लेक्चर, सो प्लीज़ कंटिन्यू टू वॉच स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश में बहुत चीज सारी बताने जा रहे हैं, प्लीज़ बी पेशेंस, आई विल लर्न सो मेनी थिंग। थैंक यू वेरी मच।